भूकंप का एक ही झटका दिल को दहलाने के लिए काफी होता है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां पिछले एक हफ्ते में 10,000 बार भूकंप आ चुके हैं। जी हां, और ये देश उत्तरी अटलांटिक का आइलैंड देश है, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक हफ्ते में 10,000 बार भूकंप आ चुके हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये झटके अभी भी जारी हैं। इन भूकंपों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। हालांकि इनमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड में प्रोफेसर बेनेडिक्ट हाल्डोरसन ने बताया, शुक्रवार की सुबह छोड़कर यहां लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, और ये झटके कब रुकेंगे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। कोरोना के चलते ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही हैं। झटकों के बाद लोग सावधान हो गए हैं, वो घरों में बिस्तर या कुर्सी के नीचे सिर छिपाकर अपनी जान बचा रहे हैं। बेनेडिक्ट ने बताया कि भूकंप के एक बड़े झटके के बाद हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिन्हें आफ्टरशॉक्स कहा जाता है। आफ्टरशॉक्स के जरिए जमीन के नीचे की ऊर्जा निकलती है। भूकंप की ये तीव्रता और इतने झटके किसी भी देश को उथल पुथल कर सकते हैं, लेकिन आइलैंड के लिए ये प्राकृतिक आपदा अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। प्रोफेसर ने कहा कि ये भूकंप हमारे लिए अब आम बात है। हमारा देश एक भूकंप जोन में है, लिहाजा हमें भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भूकंप से बचने के तरीके हमारे स्कूलों के बच्चों के सिलेबस का एक हिस्सा भी है। हमारे देश में इमारतें दूसरे देशों की तुलना में और ज्यादा मजबूती से बनाई जाती हैं। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड यानी कि GEUS में सीनियर रिसर्चर ट्राइन डाल जेंसन ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में भूकंप के झटके एक दुर्लभ घटना है। उन्होंने कहा कि यहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ये घटना वाकई चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि आइलैंड में कई स्टेशन मौजूद हैं जिनसे भूकंप के झटके नापे जाते हैं। आइलैंड जोन में दो महाद्वीप प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। यहां एक रिफ्ट नाम का दर्रा है जो यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।